हाय पिवान, आज देखते हैं ओपनिंग बेल में क्या हो सकता है। गला थोड़ा, सबसे पहले डेली में देखते हैं यूपीएल। यूपीएल जो है वो वीकली चार्ट पे है। यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों कि जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैनल में वो ट्रेड हो रहा है। राइट, और यहाँ पे ये जो कैंडल टच है उसका हाई है 756.50, तो उसके ऊपर वो बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 700, ये कैंडल का लो, और दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। जनरेट होने के बाद स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाएंगे विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, या फिर हम वेट करेंगे रेड कैंडल की टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। सो वीकली चार्ट पे वी हैव ओनली वन स्टॉक एंड इट इज ओनली यूपीएल। मैं ट्राई करूंगा कि कम बोलूं क्योंकि गला नहीं साथ दे रहा है, पर फिर भी जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा। जी द डेली चार्ट ऑफ एशियन पेंट, जहां पे आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन के पास ही है, तो ब्रेकआउट के लिए रेडी है फॉर टुडे। अबो 3190 स्टॉप लॉस यही कैंडल का लो 3145। अभी सभी कैंडिडेट सेल के हैं, जिसमें यहाँ पे वी कैन ड्रॉ द स्मॉल ट्रेंड लाइन भारतीय एयरटेल डेली चार्ट। फाइन, सो यहाँ पे ये जो बड़ा रेड कैंडल है उसका लो है 696, जिसके नीचे वो ब्रेक डाउन जाने की चांसेस है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक लग रहा है, तो उसमें एक इंडसइंड बैंक है, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आवाज़ साथ दे रही है थोड़ा थोड़ा। ये कैंडल बाहर क्लोज दिया है, फिर यहाँ पे ऊपर गया है, रिएक्शन दिया है मुहूर्त के दिन। सो ये जो लो है 1174.25, उसके नीचे ये डाउन जाने की गुंजाइश है। आईटी में भी उतना कुछ दम नहीं दिख रहा है, एम्फासिस है। कभी दोस्तों ऐसी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इनसाइड बार में। ट्रेंड लाइन यानी देखिए दोस्तों पूरा स्ट्रक्चर इनसाइड बार में ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है ट्रेंड लाइन पे ही टिका हुआ है। सो 3284.50 के नीचे वो भी नीचे जाने की गुंजाइश है। फिर बैंक निफ्टी तो बहुत वीक लग रही है, ये लो तोड़ दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइजिंग वेज है 3 कैंडल्स की, उसे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इट टुक द रिएक्शन ऑन मुहूर्त डे, तो ये लो ब्रेक होने पे 3930.85। बैंक निफ्टी की गुंजाइश बहुत है नीचे जाने की। आइटम में कुछ खास नहीं है, राइट फ्रेंड्स? तो इतने स्टॉक्स ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी बता देता हूँ मैं, आज निफ्टी के लिए भी ये लो ब्रेक करना ज़रूरी है 1757.95 पर। अगर 1801.25 के ऊपर ट्रेड होती है तो हो सकता है ऊपर जाए। राइट फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉक।